नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। केंद्र सरकार द्वारा नए कृषि कानूनों पर किसानों की तरफ से 8 दिसंबर को देशव्यापी भारत बंद बुलाया गया था। इस बंद का कांग्रेस सहित देश भर के बड़े 11 राजनीतिक दलों ने समर्थन किया। वहीं जनपद जालौन में भी किसानों के भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। बता दें कि नए कृषि कानून के विरोध में 8 दिसंबर को किसानों के द्वारा भारत बंद बुलाया गया था, जिसको लेकर जनपद जालौन में आज सुबह से ही किसान संगठनों के साथ साथ बंद का समर्थन कर रहे विभिन्न राजनीतिक दलों ने जालौन में घूम घूम कर बाजार बंद कराया। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने बाजार बंद करवा कर अपने अपने क्षेत्रों में चौराहा पर चक्का जाम धरना प्रदर्शन किया। वहीं भारतीय यूनियन के किसानों ने बड़ी तादाद में पहुंचकर झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 को जाम कर दिया। मोदी और योगी सरकार के किसान विरोधी सरकार का नारा लगाकर काला कृषि कानून वापस लो जैसे नारे लगाए। स्थानीय दुकानदार व्यापारी सुबह से ही उहापोह की स्थिति में दिखाई दिए। हालांकि किसानों के भारत बंद का काफी हद तक समर्थन किया गया और अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। कानून व्यवस्था व्यवस्थित करने और व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन हर तरह से मुस्तैद दिखाई दी। जालौन यूपी से विक्की प्रजापति की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, आज किसानों ने भारत बंद बुलाया था, कांग्रेस पार्टी ने कैसे समर्थन? कांग्रेस पार्टी ने जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में गांधी चौपिचरा को धरना दिया और व्यापारीगण से अपील की, अनुरोध कल कर दिया था। और मेरा स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं गांधी चौपिचरा तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन निकल के व्यापारीगण से, कुछ दुकानदार साथियों से विनम्र स्वभाव से हाथ जोड़ के उनसे अपील की और व्यापारियों ने साथ दिया। तो किसान बिल को आप लोग कैसे देखते? किसान ने, केंद्र सरकार ने जो किसान बिल लाया है, मोदी सरकार, ये सरासर निराधार है और किसान के विरोध में, पूंजीपतियों के फेवर में। तो अगर मांगे नहीं मानी जाती किसान और कांग्रेस पार्टी की, तो कब तक धरना प्रदर्शन किया? अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो शीर्ष नेतृत्व आगे भी आदेश करेगा तो हम लोग भरपूर तरीके से रोड पर उतरे। आज कितना समर्थन मिला आपको, किन किन पार्टियों का समर्थन? जनपद जालौन से भरपूर समर्थन मिला। बंदी का असर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। अध्यक्ष जी, आज किसानों ने भारत बंद बुलाया है, क्या है मामला, क्यों कर रहे हैं भारत? जो सरकार तीन काले कानून लाई है, सरकार उस पर जो है किसानों की बगैर राय मशवरा के उन काले कानूनों को बैक दरवाजे से पास कर दिया है। और वो काले कानून सरकार किसान के हित में नहीं है, ना ही किसान उनको चाहता है। जो किसान मांगता है वो सरकार ने दिया नहीं, जो किसान चाहते नहीं है उसको सरकार जबरदस्ती किसानों को दे रही है। तो सरकार ये काले कानून वापस ले, अन्यथा वापस नहीं लेती है तो हमारी मांग है कि उसमें एक लाइन और जोड़ दे कि समर्थन मूल्य से नीचे खरीदनी होगी। अगर समर्थन मूल्य से नीचे कोई खरीदता है तो उसे अपराध की श्रेणी में माना जाए। अगर वापस नहीं लेती है तो इसको जोड़ दे, या फिर इस बिल को वापस करके किसानों को, किसान प्रतिनिधियों को बिठा करके, किसी विशेषज्ञों को बिठा करके कोई नया कानून बना दे जो किसान के हित में हो, देश के हित में हो। सरकार ने कल फिर से बैठक बुलाई है, तो इतनी क्या जल्दी थी किसानों की कि आज फिर से भारत बंद कर दिया? सरकार से कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन वार्ता में सरकार अपने अड़जल रवैये पर अड़ी हुई है। सरकार बैक होना नहीं चाहती और ये किसान भी बगैर जो है बिल वापस करवाए या समर्थन मूल्य की गारंटी लिए किसान जाएगा नहीं। आपकी क्या मांगे रहेगी? हमारी मांग है या तो तीनों बिल वापस ले या समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी दे। अगर सरकार नहीं पीछे हटती है तो आप कहां तक जाएंगे? सरकार पीछे नहीं हटती है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। संविधान ने हमें अपना विरोध जताने का, आंदोलन करने का अधिकार दिया है। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन कर रहे हैं। हम ना तो कहीं सरकार की तोड़फोड़ कर रहे हैं, न कोई ऐसा सामाजिक कार्य कर रहे हैं जिससे जो मतलब किसी को परेशानी हो। भाई जो परेशानी पैदा की है समाज को हो या देशवासियों को, वो सरकार के ही द्वारा ही है। हमने तो कोई रास्ता जाम किया नहीं। भाई दिल्ली किसान गए अपना शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए, सरकार से अपनी बात कहने के लिए,
जब सितंबर से बराबर आंदोलन चल रहे, सरकार ने किसान की बात सुनी नहीं, तो ये किसान सरकार को ढूंढने के लिए दिल्ली अपना आंदोलन करने के लिए, अपना बात कहने के लिए गया, सरकार ने रोक दिया, किसान वहीं रुक गया भाई। राजनीतिक पार्टियां बंद करा रही हैं सड़कों पे उधर का, इनमें आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीतिक पार्टियों का उनका अपना सोच है, अपनी व्यू है उनका। राजनीतिक पार्टी जो भी आज बंद करा रही है, उनकी सरकार थी, हमने उनका विरोध किया भाई। किसान के लिए तो जो है कोई भी सरकार हो, जो किसान विरोधी काम करेगा, किसान उसका विरोध करेगी। ठीक।